नमस्तु। और इसके बाद में फिर दूज जो आती है उसको फुलेरा दूज कहते हैं। फुलेरा दूज मतलब भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहना, जो दान किया, पुण्य किया, सत्कर्म करा, वो कभी क्षीण ना होना। अर्थात सारे व्रत, सारे उपास, सारा दान मरने से पहले हो सकता है क्षीण हो जाए, पर फुलेरा दूज का किया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता, वो फुलेरा। धतूरे की उस दिन बड़ी महत्वता रहती है। शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं हो। जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा, एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगो कर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए, अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता मारा। ये फुलेरा दूज के ऊपर कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर धोकर उसको घिस कर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर होगी। मौका मिला है आनंद से। धतूरा होता है विषैला। कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है, जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को, और प्रयास करना अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो, उसमें
उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूध का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा महाराज। फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्व का। जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, सामरीवारी, 2 तली और देव, शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6 नंबर की, उसका स्थान इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी, माता पार्वती जी का हस्त कमल, चरण राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, सामरीवारी, 2 तली और देव, शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है। अशोक सुंदरी श्री शिवाय नमः। पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए, वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है, या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे 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 शरीर गलता ही जा रहा है, कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से, तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है, और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो वैसे की वैसी लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर जो वस्तुएं आपको बताई ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीज। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए,
तब तक वहीं बैठी है। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवाय नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए उसको लेकर। पर ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना। पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर, क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रुठ गई, और रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान शंकर, भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका। जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए एक लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद, शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर, थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सिंचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती, एक सिंचन करने वाली बात अलग हो जाती। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल, भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सिंचन करे, धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाती है। भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। करा जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकालकर धोकर उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है, एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है,
आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है, जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को, और प्रयास करना अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिवजी को समर्पित कर दो, वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूध का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा महाराज। फुलेरा दूध का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्व का जो दुकान जो व्यापार जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांध कर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगो कर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता महाराज। ये फुलेरा दूज के उपाय। जिस दिन माँ जगजननी जगदम्बा अम्बा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नयनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगर्दानी को हुआ क्या, नयन जल मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है महाराज, विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो चाहे राहु हो चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र बेल पत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया
विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, शंकर जी की एक लड़की और अशोक सुंदरी छठे नंबर की, उसका स्थान इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी और ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की पांच लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, शिव की पांच। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा अशोक सुंदरी वाली जगह पर, हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेल पत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते, वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा, घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे ही कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? क्योंकि दुख हमको जो दिया जाता है वो हमें तपाने का काम करता है, और जब हम अच्छे से तप जाते हैं उसके बाद में जो सुख आता है तो हमारे इस मन में, बुद्धि में, चित्त में वो सुख टिक पाता है, नहीं तो अगर हम कच्चे घड़े होते तो सुख भी बिखर कर गिर जाता। वो सुख भी समाप्त हो जाता। क्या राम जी की जिंदगी में दुख नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा, कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है पेपर है वो अलग अलग होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र पेपर अलग अलग होता है।
आप माता पिता की सुने ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता, उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में समस्या है, राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। 16108 रानी से जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठ कर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा एक छोरी, 10 बेटे एक बेटी, भगवान कृष्ण की 16108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई, 177,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो गई। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़िया में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में गड़ी जावांगी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफ है, पर जिसने शिव को साध लिया, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साथ लिए, गला पकड़ रहा है, भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी, शिव को साथ लिया, तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साथ लिया, उनका जीवन सुखमय हो। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने वाला जब भगवान शिव की भक्ति को साध लेता है, पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाता है, वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे 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 शरीर गलता ही जा रहा है, कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से, तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना, अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े,
सात कमल गट्टे गाय का दूध बेलपत्री सात शमी के पत्र सात महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो वैसे की वैसी लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर जो वस्तुएं आपको बताई ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो। पूर्ण चीज दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए तब तक वहीं बैठी है। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवाय नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए उसको लेकर। पर ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र ढाई महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना। पर ढाई महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है, कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान शंकर भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका। जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर दो दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए एक लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद, शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सिंचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती है, सिंचन करने वाली बात अलग हो जाती है। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सिंचन करे, धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाती है। रोग से मुक्ति। कई माताएं ऐसी बैठी हुई है पंडाल में भी और टीवी के सामने, जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही है, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, तीन महीना मंदिर जाते हैं, चार महीना मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते हैं। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम चार महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम तीन महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम पांच महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा, भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं गुरुजी, भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? दो महीना, तीन महीना, चार महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए, भगवान भी मन में सोचते हैं
तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना, समझना जरा बहुत अच्छे से। सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी, जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर? नहीं, सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना जी। आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने, जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम लेकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता दे। कर्म को करो, मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे, फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव आदि महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं।